एक कटोरी साबुदाना साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है। ये व्रत उपास में जो साबुदाने की खिचड़ी या फिर खीर बनाते हैं, ये वही मीडियम साबुदाना है। इसे धीमी फ्लेम पर हम 7-8 मिनट तक भून लेंगे ताकि उसकी नमी निकल जाए और ये अच्छे से क्रिस्प हो जाए। उसके बाद में हम उसको एक प्लेट में निकाल करके थोड़ा अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तो ठंडा होने के बाद में उसको हम मिक्सी के जार में डाल करके अच्छी तरह से पीस लेंगे। जैसे कि हम आटा पीसते हैं ना, उसी तरीके से उसको हमें पीसना है। बिल्कुल आटे की तरह से फाइन पाउडर बनाना है। तो ये मैंने पीस लिया है। अब पीसने के बाद में कोई मोटे कण हो तो निकल जाएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, छन्नी में डाल करके इसको अच्छे से छान लेंगे। तो अभी ये क्या है ना, ये सूजी की तरह आपको लगेगा, हल्का सा दरदरा सा लगेगा आटा। अभी हमने इसको छान लिया है, इसमें से कुछ भी नहीं निकला है। बिल्कुल बढ़िया है, ये हमारा आटा तैयार है। इसे पूड़ी, पराठा या फिर उपवास के लिए आप हलवा बना करके तैयार कर सकते हैं। डब्बे में भर करके हम रख देते हैं, जब भी आवश्यकता होगी आप इसको ले सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।